नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अ गुड न्यूज फॉर यू एवरीवन, है ना। जैसे कि आप लोग वेट कर रहे हो काफी टाइम से और डेली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैम एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली गाइज, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट एकदम धमाकेदार तरीके से आया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट तो आया ही आया है और साइट बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है ना। ये चीज मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है, और साथ साथ एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडमिट कार्ड आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप इनडायरेक्टली समझ गए कि जो डेट है, जो ऑफिशियल डेट है आपकी कि मेंस कब होना है, उसकी डेट भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट यार आप लोगों के लिए, मैंने भी इसका लाइव एनालिसिस किया था, आप लोगों को याद हो क्योंकि काफी टाइम हो गया है यार, फैम में इसका एग्जाम था तो काफी वक्त भी हो गया है, बट इसका मैंने लाइव एनालिसिस किया था तो डेफिनेटली मेरा भी रिजल्ट आना था। ठीक है, तो मैंने बस अपना जल्दी से देखा यार रजिस्ट्रेशन है कहाँ। आप लोगों को भी ऐसा रजिस्ट्रेशन अपना नंबर ढूंढने में दिक्कत हुई होगी ना, क्योंकि यार अभी फैब का जनवरी का फॉर्म फिल किया हुआ था। एनीवे चलिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या, आपको कैसे पता लगे। अब यार देखो दिक्कत ये आ रही है कि रिजल्ट नहीं खुल पा रहा है डायरेक्टली, क्योंकि साइट का जो सर्वर है ना बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल मतलब यार ओपन ही नहीं हो रही है। मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया पर साइट ओपन नहीं हुई। तो जब भी ऐसा होता है, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी एसबीआई क्लर्क ने ऐसा ही किया था कि रिजल्ट भी साथ में था और एडमिट कार्ड भी साथ में था, और 2020 में भी यही कर दिया। तो यार जब रिजल्ट नहीं खुल रहा तो एडमिट कार्ड खोलो ना पूरी होप के संग में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड ओपन करो, एडमिट कार्ड ओपन करने से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आसानी से ओपन हो रहा है। तो एडमिट कार्ड ओपन करने से आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई है और नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अपना भी रिजल्ट दिखाती हूँ जल्दी से। तो देखो आप क्या करो यार, वैसे तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ अभी, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज बैंकिंग डीजी दिव्या गुप्ता। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रुप भी मिल जाएगा, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने रिजल्ट का लिंक नहीं डाला है, क्योंकि रिजल्ट का लिंक काम ही नहीं कर रहा है यार। सीधे मैंने एडमिट कार्ड का लिंक डाला हुआ है, आप यहाँ एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा लिंक पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वहां क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आपको एडमिट कार्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप एडमिट कार्ड ओपन करो, ठीक है, एडमिट कार्ड देख लो तो आपको एडमिट कार्ड से रियलाइज हो जाएगा यार कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है और नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको जरा आगे बता देती हूँ मेरा। तो होप कि जो मेन चीजें आपको दिख रही होगी, यार पिक्चर पे मत जाना, ठीक है, हाँ पिक्चर पे मत जाना। आपको रिजल्ट दिख गया होगा कि एडमिट कार्ड मेरा ओपन हो गया है ना, एंड आई एम फ्रॉम आगरा, बड़ा फेमस यहाँ का ये कैंपस है जहाँ पे मेनली एग्जाम्स होते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे जो एग्जाम की डेट है वो 31st है, 31st को जो है आपका पेपर होना है। तो यार बहुत कम दिन है, मैं तो खुद ही शौक हूँ कि इतने कम दिन में आपको, अब मैंने पहले ही कहा था तैयारी करके रखो अच्छे से। केवल और केवल अगर देखा जाए तो आज 20 अक्टूबर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, 20 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी है और आपका 31st ऑफ अक्टूबर को पेपर है, और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी वो सुबह 8 बजे। तो आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि एग्जाम की तैयारी 10 दिन में कैसे करें, आपको कल ही वीडियो मिल जाएगी, मैं कोशिश करती हूँ आज ही नाइट तक देने की। और इसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस एग्जाम के टाइम पर लेने हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यार इस लिंक से कैसे ओपन हो रहा है, सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं टेलीग्राम पे जा रही हूँ, यहाँ से आप जैसे ही टेलीग्राम पे जाओगे ना तो आपको देखो ये वाला लिंक दिखेगा जहां मैं क्लिक कर रही हूँ, आप यही क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखने को मिलेगी एक साइट, सी आपको एडमिट कार्ड की साइट आराम से देखने को मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट या हिंदी सेलेक्ट, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, अपना पासवर्ड, या अगर DOB आपकी अपडेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो अगर पासवर्ड ना याद हो, और यहाँ पे कैप्चर की डालिए, उसके बाद में लॉगिन कीजिए, आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यार अगर आपका क्लियर हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ कि आपका अटेम्प्ट कितना था, क्योंकि बेसिकली मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, मैंने बस पेपर दिया था। आप लोग को पता है कि मैं बेसिकली टीचिंग अपनी कर रही हूँ, है ना, आप लोग को पढ़ाती हूँ रीजनिंग, और जो ये एग्जाम था वो मैंने आप लोगों के एनालिसिस के लिए दिया था, बट बाय डिफॉल्ट हो गया है एग्जाम पेलेंस का।
ठीक है, तो अभी इसकी मेंस की तैयारी साथ में करते हैं। क्या करना है लास्ट 10 डेज पे, आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। रीजनिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, जीए, रीजनिंग और जीए के लिए आप टेंशन मत लो, उसकी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी मैं आपको देती हूँ कि लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है। अब मैं आपसे ये कहूंगी यार, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लस ज्वाइन करो, ठीक है। आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां से आपकी पूरी मेंस की तैयारी हो जाएगी। मेरे बेहतरीन कोर्सेज जो है वहां पे चल रहे हैं, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो। और जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है उस सबकी बात मैं आराम से करूंगी इस बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू एवरी ईच एंड एवरी लर्नर जिसका भी एग्जाम क्वालिफाई हो, जिसका नहीं भी हुआ यार अभी बहुत है आगे, आपने RRP दिया है, आपने IPPS PO क्लर्क दिया है, प्लीज उसका वेट करो। बिल्कुल बिल्कुल यार अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करना, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, ठीक है। हम लोग साथ में ना, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना अच्छे से, तो डेफिनेटली हमारी जो ये जर्नी है वो बहुत अच्छे से आपको मतलब देखने को मिलेगी, सब कुछ क्लियर होगा। सो डोंट वरी, बस अपनी मेहनत करते रहो यार, एक दिन आपकी मेहनत जरूर सक्सेस में बदलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में 10 डेज की स्ट्रेटेजी के साथ में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ख्याल रखिए सब लोग अपना, जल्दी से मिलेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करो जैसे कि सबको पता लग सके कि हम रिजल्ट नहीं निकल पा रहे तो कैसे फाइंड आउट करें। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे आगे के अपडेट्स मिलते रहे। इस 10 दिन में जुड़े रहिए मेरे संग काफी अच्छे से, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।